हमारे यहाँ जो सुश्रुत हैं वो कहते हैं कि आयुर्वेद जो है वो नित्य है और अनादि है बोले कैसे कि जो मनुष्य जिसके लिए हम इस आयुर्वेद को केंद्र बना रहे हैं क्योंकि वहाँ तो वृक्षायुर्वेद भी है गजायुर्वेद भी है बाद में आयुर्वेद का तो विस्तार है केवल मनुष्यों के लिए नहीं है पशुओं के लिए भी है वृक्षों के लिए भी है वनस्पतियों के लिए भी है आयुर्वेद का विस्तार है लेकिन जो हिताहितमपथ्यम जो वो परिभाषा दे रहा है वो मनुष्यों पर ज़्यादा घट रही है और मुझे लगता है मनुष्यों को ज़्यादा आवश्यकता भी इसकी रही तो वो कह रहा है कि ये तो एक तो ये है कि आयुर्वेद हमारे लिए आयुर्वेद के लिए आ, केवल मात्र वो चिकित्सा पद्धति तो है नहीं ये पूरे आ, जीवन का अनुशासन है इसमें केवल इसमें चिकित्सा ही नहीं है इसमें सब तरह की जो मनुष्य की उन्नति के जितने भी आयाम हैं उन सब आयामों का समग्रता का नाम आयु है यानी जीवन के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो ये जो साइंस है वेद वो पूरी लाइफ का साइंस है ये आर्ट ऑफ लिविंग कैसे जीना है किस तरह से क्या करना है तो ये इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन करता है इसलिए इसका केवल एक ही भाग नहीं है जिसे हम विषक कहें या औसत कहें कि ये जो मेडिसिनल पार्ट है इतना ही नहीं है समग्र जीवन की पद्धति का नाम आयुर्वेद कहा गया है जो आयुर्वेद है इसके आ, आदि हम आमतौर पर धन्वंतरी को बताते हैं तो धन्वंतरी जो है वो महाभिषक है आयुर्वेद का हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें बहुत प्राचीन में बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि हम हमारे पास जो इतिहास है तक्षशिला का वहाँ पर ऐसे अद्भुत विषक थे जीवन जीवक की प का हमें उल्लेख मिलता है बेमसार की पत्नी को जो एक बार मृत घोषित हो गई थी उन्होंने एक बार उनको जिंदा कर दिया उन्होंने कहा भाई इसकी आयु समाप्त है कुछ नहीं करते हैं पर थोड़ी देर के लिए अगर इससे आप बात करना चाहें तो हम इसको जीवित कर सकते हैं थोड़ी समय के लिए तो वो उस तरह के उनके पास आश्चर्यजनक नुस्खे को उनको वो थे उसके बाद आयुर्वेद का विकास एक तरफ तो हमने देखा कि जो हमारे उस समय के यात्रियों का आना जाना था मध्य एशिया में एक दूसरे के खास तौर पर चाइना का और उसके बाद तो यूनानी पद्धति भी आई आयुर्वेद के साथ मिलकर के बहुत बड़ा आयुर्वेद का इतिहास तो बहुत रोचक इतिहास है तो सबसे पहले हमें आयुर्वेद का जो यूँ तो अथर्वेद आयुर्वेद से भरा पड़ा है और हमारे ऋग्वेद में भी उसकी पर लेकिन उसका जो दार्शनिक पक्ष है उसकी बात मैं कर रहा हूँ मंत्र है ऋग्वेद में जिसमें ये है तद इधम औजुसम ओजस की जो आप बात कर रहे हैं ना वो उसमें कहा कि ये मूल तत्व तो जो जिसे आप कॉस्मिक एनर्जी कहें उसे कहा कि औजसम वो औजस है जो आपकी दिव्य शक्ति है ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसे एनर्जी कहते हैं कहते ततः त्रेधा विभजन वो तीन तरह से बट गई है वो शक्ति डिवाइन जो पावर है तो उसने ऋग्वेद ने तो उसका केवल इतना ही लिखा पर भाष्यकार बाद में खैर सायन हुए बहुत बड़े भाष्यकार हुए तो उन्होंने कहा था बातम पित्तम चलेषम बात पित्त और श्लेष्मा जिसे हम बाद में कफ कहते हैं तो कहते हैं ये तीन तरह से हुआ तो उसको साथ में ये भी कहा गया कि वो सत्वराज और तम भी हुआ तो स्वाभाविक है कि वो आ, शरीर में त्रिदोष हुआ और मन में वो त्रिगुण हुआ तो वो गुण और दोष उसने शरीर की सारे उसके कारण ये अपने आप में बना तो जितना भी जो इसमें उन्होंने प्रश्न किया है क्योंकि ये बड़ी पद्धति है सप्त धातु की रसात रक्तम कैसे बनता है जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को कौन पकाता है अंदर करता है बोले ओ जो शक्ति है वो भोजन को पकाती है जिसे कहा इम्यून सिस्टम खराब हो गया इसका तो पूरा सिस्टम में सब नियंत्रित कर रहा है उसे कहा तत्प्राण बिंदु वो प्राण को धारण करने वाला प्राणधारक शक्ति है तो तत्व मानसम रस से रक्त कैसे बना फिर मांस कैसे बना फिर मेदा कैसे बनी फिर हड्डी कैसे बनी अस्थि और फिर मज्जा कैसे बनी फिर आया कि उससे फिर शुक्र यानी सप्त धातु आई फिर शुक्र कैसे बनी तथा शुक्रम आजा था फिर शुक्र से इतनी बड़ी प्रक्रिया तो शुक्र बना और सुक्रात औजसम तेज फिर उस तेज से फिर औजस में बदल गया हो तो आपका सारा सिस्टम ठीक हो रहा है ना तो वो फिर वो औजस की प्रक्रिया ठीक है तो वो सारा का सारा आपके मूल में जो जो, जो प्राण शक्ति है वो उस प्राण क्यों वो तो सूक्ष्मतम है उसको आयुर्वेद के उसमें हम लिंग देह कहते हैं तो वो लिंग देह है बिल्कुल शरीर में तो वो पहला जो सबसे सूक्ष्म रूप है उसका जिसको जिसमें हम कहीं भी मटरलिटी नहीं है वो ऐसा है जैसे कोई गंध सी बन के वो हो जाए तो वो सूक्ष्म देह का प्रवर्तक हो जाएगा उपनिषद कहता है अन्नमयम ही मना वो उससे मन का निर्माण जिसे हम लिंग दें क्यों हमारे यहाँ मन भी शरीर है लिंग देय भी शरीर है सब हम सब शरीर है क्योंकि सब मटेरियल है भौतिक है इसलिए शरीर है मन भी शरीर लिंग दे भी सब शरीर है तो उस उसको दिए हम इसीलिए कह रहे हैं तो वो कहते वो सूक्ष्म तो वहाँ चले गया और उसके बाद उसका जो रस बना उस रस का तत्व तो गया और वो रस बना उसने रक्त बना दिया और रक्त बनाया तो उससे मांस बन गया मांस बन गया तो मेधा बन गई मेधा बन गया तो हड्डी बन गई हड्डी बन गया तो मज्जा बन गई मज्जा बन गया तो शुक्र बन गया और फिर तत्व तो, तो, फिर वो क्रम चला कि ये सब धातु तो हमारे शरीर में कैसे बने तो ओजस जिसने ये सब प्रक्रिया की अगर वो वीक हो गया तो सारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाएगा सारा अपने आप अब उसने प्राण है तो अब हम सब प्राणायाम वगैरह करते फिट रखो उसको तो मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि वो उसको रोटेट करेगा तो फिर ये प्राण विद्या है उसको हम पूरी तरह से सारे देह में अलाइव रखें अब उसका संबंध सठ चक्रों के साथ आ जाएगा कि आप मेरु से सहस्रार तक कैसे वो चक्र चल रहा है तो ये बड़ा भारी सिस्टम बड़ा वैज्ञानिक बै, हुआ है और अपने आप में पूरा वो ये आधुनिक मेडिकल साइंस से भी ऊपर चले गया देखेंगे जो लोग देखते हैं तो बड़े हैरान हैं कि आपने सब क्या गड्डम गड्ड कर दिया नहीं भाई समझो इसको कि आपने इसमें षठ चक्र भी मिला दिए प्राणायाम भी मिला दिया ये एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है आप कैसे उसको अलग करेंगे आपकी सप्त धातु आपके षठ चक्र आपका बात कफ आपका सत्वरजतम आपके पांच पंचविध प्राणायाम पांच तरह के जो प्राणायाम है फिर जो है आपका प्राण और अपान का संयोजन है ये सारा का सारा केवल हम वो चरक कह रहे हैं कि हमारा जो केंद्र है वो शरीर ही थोड़ी नहीं है मन भी है और आपका आत्मा भी है सुश्रुत कह रहा है कि सत्तम जो आपका अंदर की अंतकरण है आत्मा और शरीरम चेती त्रिदंड ये तीन चीज़ें हैं अगर इन तीन तीन चीज़ों में संतुलन है तीनों ठीक ठाक हैं तो आप स्वस्थ हैं स्वस्थ इतविधीय आत्मेंद्रिय मनोविधि वो स्वस्थ वो है जिसका शरीर भी मन भी और आत्मा भी तीनों बिल्कुल ठीक हैं तो वो स्वस्थ है तो स्वस्थ का मतलब क्या हुआ स्वस्थ स्व अपने आप में स्थिर है जो ऐसा क्या है कि वो इतना उद्विग्न हो गया है इतना चंचल हो गया कैसा स्वस्थ है वो कि वो बॉडी उसकी ठीक है लेकिन वो सब कुछ तो गड़ गर, गड़बड़ हो गया है नहीं नहीं कहते वो तब स्व स्व में स्थित होगा वो अपने आप में रहेगा टिकेगा तो स्वस्थ इत्य विधिय उसको कहते हम स्वस्थ कहेंगे तो इसलिए ओजस पावर उसको कॉस्मिक पावर कहो वो जब फिजिकल बनेगी यानी ये है समष्टि की यूनिवर्सल अगर वो इंडिविजुअल बनेगी व्यक्ति की तो उसमें बात पित कफ आएगा सत्वरज आएगा फिर वो आहार के साथ काम करेगा क्योंकि आहार का सारे की सारी जो भी फंक्शनिंग है जो भी क्रियान्वयता है वो सब उसने करनी है कि वो पहले उसका जो मुख्य भाग है उसका लिंग देह में चले जाएगा और बाकी ये जो स्थूल देह है इसमें पहले रस आएगा फिर रक्त आएगा फिर इसमें मांस आएगा मेदा आएगी फिर इसमें अस्थि आएगी फिर इसमें मज्जा आएगी फिर इसमें शुक्र आएगा तत्सोनीतम मद्रभ्य सात पूरी प्रकार आएंगे फिजिकल बॉडी हो गई इसको पूरी तरह से संतुलित प्राण करेगा तो ये प्राण विद्या है तो फिर हम प्राणायाम करते हैं प्राणों को कहते गीता कहती है प्राणापान समायुक्त तो प्राण और अपान इन दोनों को कैसे आपने वो किया है माने एक आपका रेचक और एक पूरक एक इला चंद्रमा और एक पिंगला सूर्य यानी कैसा कॉम्बिनेशन है, है एक अत्यंत गर्म है एक अत्यंत ठंडा है सोम का मतलब बहुत ठंडा उससे ठंडा कोई नहीं और सूर्य का मतलब बहुत गर्म उससे गरम। तो वो अग्नि सोमात्मकम एक अग्नि है हॉट है गर्म और एक सोम है ठंडा है दोनों को मिलकर के बनेगा दोनों में संतुलन रखना है एक इला है एक पिंगला है आप प्राण है एक अपान है एक रेचक है एक पूरक है एक रज है एक तम है साध करके सत्व में लाना है योग पित्त है ये कफ है उसमें बात को कैसे करना है फिर उसमें लिखा है भाई पंचभूतों से कैसे होगी वो कहते भाई ये उससे फिर आकाश से ओजस कैसे आया आकाश साथ वायु सत्व में चले गया बात बन गया ये और फिर अग्नि आ गया ये रज में आ गया पित्त है तीसरा तत्व और फिर जल और पृथ्वी ये अपने आप में कफ है तम है स्थूल है तो ये कफ करता है अब इसका फिर रिलेशन ऋतुओं के साथ मौसम के साथ भोजन की प्रकृति के साथ मेरी अपनी प्रकृति कैसी है वो कह रहा है प्रकृतिम पूर्वम परीक्षित आप अपना डॉक्टर खुद हैं क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका टेम्प्रामेंट आपकी सारी फिजिकल बॉडी क्या एक्सेप्ट कर है क्या ये तो आपको पता है डॉक्टर को खाक पता है आप उसको बताते हैं तो वो अंदाजा लगा लेता है लेकिन नहीं नहीं मनुष्य अपना चिकित्सा खुद है आहार उसकी चिकित्सा खुद है कि वो ठीक आहार कर रहा है तो फिर वो ठीक तरह से क्योंकि आहार जो है वो पथ्य है औषध है दवाई है भोजन हमारे यहाँ दवाई है हम भोजन को कति पुष्टि भी है तुष्टि भी है संतुष्टि भी है खा करके खुश भी होना ऐसा नहीं ऐसा खाए आँख मूंध के तो सारा कड़वा हो गया है वो शरीर को नहीं लगेगा खाना खाते समय आप प्रसाद है आपको प्रसन्नता है और बड़ा अच्छा भोजन है ठीक है तो वो आपके शरीर में ओजस काम करेगा ना क्योंकि आपने प्राण तत्व को जगा दिया ओजस सावधान होगा आप खाओ ना तो ठीक रहेगा नहीं तो वो तो सब बुझ जाएगा सारा अग्नि प्रज्वलित करोगे जठरानल है तो उसको ठीक ठाक करना है तो आपको संतुष्टि भी होने हाँ क्या अच्छा किया और देख कर प्रसन्नता भी होनी चाहिए खाते समय तभी पुष्टि होगी तो वो फिर आपका सारा शरीर में वो काम करेगा तो ये हमारे आहार की बड़ी भारी व्यवस्था है ये शक्ति तो सब में होगी ना प्राण ओजस को सारे में वो करेगा ओजस जो एनर्जी है जिस एनर्जी से सारा कुछ हो रहा है वो प्राण तो उसको सब तरह से वो कर रही है ना वो तो अपनी जग, अपनी जगह है और प्राण सारे शरीर में स्पंदित करती है पंच प्राण कहते हृदय है आ, आ, गुदे पान हृदय में पान है यहाँ पर अपान है समानो नाभि मंडल में समान है और उदानक कंठ देती न सर्व शरीर का एक कंठदेश में बाकी सारे शरीर में पांच तरह की वायु काम करती हैं आप प्राणायाम करते हैं तो वो सब ओजस की शक्ति से काम कर रहे हैं उसके पास अपना क्या है है ना तो वो उसकी फंक्शनिंग ऐसे हो जाएगी ये उसमें है अपना